आ जाओ स्टार्ट कर रहे हैं रोटेशन मोशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? रोटेशन मोशन। आप ऐसा बोलते हो जितने भी पढ़ाई की है क्या इसी के लिए की है? यस सर। हम बड़ी देर से पढ़ रहे हैं, यस सर। एनएलएम पढ़ा, ये पढ़ा, काइनेमेटिक्स पूरी पढ़ी, पढ़ी नहीं पढ़ी, यस वर्क सर। पावर पढ़ा, फ्रिक्शन पढ़ा, सर्कुलर पढ़ा, क्या इसी के लिए पढ़ा? यस सर। इसी के लिए, क्योंकि इसमें ना सब यूज होगा। क्या होगा? और इसके बाद की फिजिक्स बिल्कुल चेंज हो जाएगी आपको, इसके बाद की फिजिक्स चेंज करेगी। एसएचएम पढ़ेंगे इसके बाद, वेज एसएचएम। क्या क्लियर है बात? फिर हीट वाला सेक्शन बाद में उठाएंगे, इलास्टिसिटी वाला उसके बाद में, विस्कोसिटी। रोटेशन मोशन कैसा मोशन? रोटेशन मोशन कैसा मोशन? या इसको ऐसे बोलते हैं रोटेशनल डायनामिक्स। क्या बोलते हैं? बड़े नाम है इसके, मैं लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, रोटेशनल डायनामिक्स। या इसको एक और नाम से बोला जाता है रिजिड बॉडी डायनामिक्स। कैसी बॉडी? रिजिड बॉडी डायनामिक्स। क्या क्लियर है? ये तीनों इसी के नाम। अरे आया नहीं आया? रिजिड बॉडी डायनामिक्स कैसी? थोड़ी सी बात करते हैं रिजिड बॉडी में, पर उससे पहले थोड़ा सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको एक बात करता हूं, मान लो एक ब्लॉक है, मान लो क्या है मेरे पास एक ब्लॉक है, बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया, वाह वाह। मान लो ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, कितने वेलोसिटी से तो जा रहा है तो अच्छा तो फोर्स लगी होगी। क्या फोर्स ने इसको सीधे सीधा चला रहा है, नहीं चला रहा है? इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। कैसे बोलते हैं? क्या इसको ऐसे बोल सकते हैं? लीनियर मोशन। क्या बोल सकते हैं? लीनियर। हां सर, हमको तो पता, क्या हमको क्या सिखा रहे हो ये बात, हमको नहीं पता। मान लो कोई रास्ता ऐसे, अब ये ब्लॉक पड़ा है, ये ब्लॉक भी आगे भी वेलोसिटी से जा रहा है, तो ये ब्लॉक भी क्या ऐसे ऐसे करके जाएगा? ये कौन सा मोशन है? कर्वी लीनियर मोशन। कैसा मोशन? कर्वी लीनियर। अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया, बाबा आ जाओ थोड़ा सा। याद कर हमने एक रॉड पड़ी थी, क्या पड़ी थी? यहाँ पे रॉड है, अरे है नहीं है, इसको ओमेगा से घुमा दिया, ये घूमती थी नहीं घूमती थी, ऐसा सवाल भी किया था हमने। दो पार्टिकल कंसीडर कर, मान लिया ये ए है और ये क्या है बी है, ये दूरी आर वन है और ये दूरी आर टू है, अगर ये घूम रहा है तो ये क्या यहाँ पहुंच जाएगा, ये क्या यहाँ पहुंच जाए ही नहीं, मान लिया कुछ ऐसे, यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे बी, बेसिकली ए और बी ऐसे ही, क्या रॉड घूम रही है नहीं घूम रही? अगर ध्यान से देख, ये कौन सा मोशन है? रोटेशन मोशन। कौन सा मोशन? क्या इसमें ए बी कितने भी पॉइंट ले लो सारे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, तो सारे पॉइंट क्या कर रहे हैं? सर्कुलर मोशन। क्या कर रहे हैं? इसको हम बोलते हैं रोटेशन मोशन। क्या बोलते हैं? या आप इसको बोल सकते हो प्योर रोटेशन मोशन। क्या बोल सकते हो? प्योर रोटेशन मोशन। अरे पढ़ा है, सवाल नहीं किया किया ना यार। अगर ध्यान से देख, यहाँ पे ये ओमेगा था, क्या था ये ओमेगा, क्या थी ये? मैंने ध्यान से देख, इसकी ओमेगा सेम होती थी सबकी, क्योंकि इनका थीटा सेम होता था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पर इनकी क्या वेलोसिटी सेम है था? क्यों? क्या ये ज्यादा डिस्प्लेसमेंट सेम वेलोसिटी में और ये कम? अबे अगर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करे इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी तुझे आया नहीं आया, फील आया नहीं आया? ये तो हम पढ़ चुके हैं ना यार, इसका आधा पार्ट पढ़ चुके हैं। क्या ओमेगा पढ़ा हमने, थीटा पढ़ा हमने, क्या अल्फा पढ़ा हमने, इसी का तो पार्ट। तो थर्ड मोशन, थर्ड मोशन मान ले एक टायर है, क्या एक टायर क्या वी वेलोसिटी से आगे जाता है, पर ओमेगा से क्या घूमता भी है? अगर सिर्फ ओमेगा से घूमे तो क्या आगे जाएगा? क्या आगे जाएगा? क्या वी वेलोसिटी से भी देखना पड़ेगा? अरे हाँ ना, तो बोल। इसको बोलते हैं कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन। अरे मैंने सिखाया भी था कटार, याद है तुम्हें? नहीं अरे तुम्हें याद है, सिंपल समझ आया? अब तक फील कर, अगर इसको अपने बी से चलाना है तो कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी ना। बेसिकली ये है आपका ट्रांसलेशन मोशन। कैसा मोशन? सीधा सीधा मोशन। कैसा मोशन? सीधा सीधा। अच्छा सर, बहुत ऊपर, ये तो टेढ़ा है, ये तो अगर तू ध्यान से देख, ये भी सीधा सीधा ही है, ये भी ऐसे मत देख इसको, सुन। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स क्या? अब बात करते हैं रिजिड बॉडी की। किसकी बात करते हैं? रिजिड बॉडी की डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन मैं बता रहा हूं, यही याद रखनी है आपको। ऐसी बॉडी जिनके दो पॉइंट की दूरी कभी चेंज नहीं हो। ऐसी बॉडी जिनके दो पॉइंट की दूरी, मान ले स्प्रिंग ले लो, तो दबो के इतनी भी हो सकती है और क्या इतनी भी हो सकती है, तो स्प्रिंग क्या रिजिड बॉडी है? हम क्या रिजिड बॉडी है? नहीं, कभी इधर कभी इधर, रिजिड बॉडी हम भी। पर एक रॉड ले लो, और रॉड पे अगर एक पॉइंट फिक्स कर दो बी, तो कहीं भी ले जाओ उसको, क्या ए बी के बीच की दूरी चेंज होगी? 90% हम रोटेशन मोशन में क्या पढ़ते हैं? रिजिड बॉडी। क्या पढ़ते हैं? क्या तुझे रिजिड बॉडी समझ आई? समझ आई नहीं आई? पता चला? आप कंसीडर कर दो पॉइंट, यहाँ पॉइंट ले ले ए और यहाँ पॉइंट ले ले ए पे बैठ के बी को देखना है, ए पे बैठ के, ए पे बैठ के बी को देख, क्या रेस्ट पे लगेगा? यहाँ भी रेस्ट पे लगेगा, तभी तो है ट्रांसलेशन, ये कर्वी लीनियर मोशन। यहाँ पे देख,
ए पे बैठ के बी को देख, रिजिड बॉडी है, ए रेस्ट पे, क्या बी सर्कुलर मोशन कर रहा है नहीं कर रहा है, चमका नहीं चमका, अरे आया नहीं आया, यहाँ पे देख ये ले इसको ए ले ले और इसको ए पे बैठ के बी को देख, कर रहा है सर्कुलर मोशन, कर रहा है नहीं कर रहा है, फील आया नहीं आया, तो समझ आया नहीं, यानी ये तो हम पढ़ चुके हैं सिंपल मोशन ट्रांसलेशन मोशन, ये तो हम, अरे फील करना यार, ये जब जाएगा तो ये तो जाएगा तो ये ऐसे ऐसे करके पाथ लेगा ना यार, तो ए और बी के बीच की दूरी चेंज, फील आया नहीं आया, यहाँ पे ए और बी की दूरी चेंज, पर यहाँ पे दोनों कैसे है रेस्ट, यहाँ पे दोनों, और यहाँ पे दोनों कैसे, और यहाँ मतलब दोनों नहीं कर रहे, एक एक रिस्पेक्ट में दूसरा, और यहाँ पे, यानी हमने एक चीज सीखी, अगर रिजिड बॉडी का केस है, किस बॉडी का केस है, तो या तो वो रेस्ट पे रहेंगे या तो वो सर्कुलर मोशन करेंगे, अरे चमका नहीं चमका, रिजिड बॉडी का केस है, यहाँ तो क्या करेंगे, यहाँ तो क्या करेंगे, चमका नहीं चमका, अरे फील करना यार, अगर ये स्प्रिंग होता मैं इसको दबा सकता था, तो ए और बी इसकी दूरी चेंज हो गई ना यार, पर रॉड में चेंज होती है क्या, आया नहीं, फील आया, जैसे मान लेते एग्जाम्पल देता तो अच्छा लगेगा, अच्छा इसी के बाद देता हूँ, पर पहले ये समझ ये पढ़ चुके हम, ये पढ़ चुके, अरे एलएलएम तभी पढ़ पाए थे, रिजिड बॉडी थी, रिजिड बॉडी नहीं होती, एलएलएम कहाँ पढ़वाते हम, पढ़वाते क्या एलएलएम, वहां से नहीं दब रहा है वो, चमका नहीं, ये हम आधा पढ़ चुके हैं, क्या ओमेगा थीटा अल्फा सर्कुलर मोशन में याद है थोड़ा, याद है थोड़ा थोड़ा, और ये हमने पूरा पढ़ना है, पर बेसिक सवाल यही है हमारा, हमने यहाँ तक पहुँचना है, जिस दिन हम हेडिंग डालेंगे कटार उस दिन मजा आएगा, पर उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, क्या थोड़ा थोड़ा चमका, अगर ध्यान से देख यहाँ पे ये आगे भी जा रही है, यानी ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है और क्या रोटेशन मोशन भी हो रहा है, तभी तो लिखे कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड सर्कुलर, क्या फील आया, समझ आया नहीं आया, ये नहीं पता चला, पक्का गारंटी, अच्छा बहुत खूब बहुत मजा आया बाबा, ठीक है सर हमको पता चला, अब मान ले हम एक रिजिड बॉडी लेते हैं, क्या लेते हैं, रिजिड बॉडी, ठीक है भाई ले ली हमने रिजिड बॉडी ले ली, आपको समझ गया रिजिड बॉडी वो जिसके बीच की दूरी चेंज है नहीं होती, मान ली रिजिड बॉडी बी से आगे जा रही है और ओमेगा से घूम रही है, कोई शक की बात नहीं है, मान ली मैं एक पॉइंट लेता हूँ ए, एक पॉइंट लेता हूँ बी और एक पॉइंट लेता हूँ सी, तुझे आए नहीं, इनके बीच की दूरी ये लेता हूँ, क्या फील कर ए बी कभी चेंज होगा, क्या ए बी कभी चेंज होगा, क्या बी सी कभी चेंज होगा, क्या ए सी कभी चेंज होगा, पर चल रहे तो है और घूम रहे भी, चल रहे तो है और घूम रहे भी, ए सी कभी चेंज, ए बी कभी चेंज और बी सी कभी चेंज, फील आया, हम मान ली घूम रही है, इसको क्या लेने देना कुछ भी हो, फील कर हम तीन है, हम कैसे हैं, फिर कमरा हिल रहा है, अगर मैं थोड़ा सा खिसका, क्या ये भी खिसका, क्या तू भी खिसका, तो फील आया तो बराबर ही, यानी ये जो एंगल है क्या ये भी बराबर ही रहेगा, क्योंकि अगर ये यहाँ को खिसकेगा तो ये क्या यहाँ को खिसकेगा और ये यहाँ को, चमका तुझे नहीं चमका, फील आया, यानी दो ही मोशन हो सकते हैं, कितने मोशन, या तो रेस्ट पे रहें या तो क्या करें सर्कुलर मोशन, यानी फॉर रिजिड बॉडी, फॉर रिजिड बॉडी दो ही केस हो सकते हैं, अगर हम ए के रिस्पेक्ट में बी को देखें या तो क्या हो जाए बेटा रेस्ट पे या फिर सर्कुलर, पर एक पे बैठ के दूसरे को देखना है ऐसे देखना, फील कर मैं एक पे बैठ गया, अब एक है रिजिड बॉडी, एक है मैंने बी को देखा, क्या बी नीचे जाता हुआ दिखा, तो क्या सर्कुलर मोशन कर रहा है, और कुछ कर ही सकता, अब फील करके आगे नहीं जा सकता, अब बच्चे बोलता क्यों आगे जाएगा तो डिस्टेंस खराब करेगा, अरे खराब ये ए और ये कर बी को ऐसा घुमा कि डिस्टेंस बराबर है, चमका क्या 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 घुमाएंगे, चला पता, क्योंकि और कुछ भी घुमाएगा तो क्या रिजिड बॉडी रहेगी नहीं, फिर वो रिजिड बॉडी, यानी रहेंगे तो रेस्ट पे, या तो कैसे रहेंगे, या तो सर्कुलर, या तो अब देख फील कर क्या ये ओमेगा से घूम रहे, क्या ये, तो अगर मैं ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालूं, तो मान ले ओमेगा आती है, तो मान ले ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू सी भी कितनी आएगी ओमेगा, यानी सिंपल अगर एक पे बैठ के दूसरे पे देखोगे तो ओमेगा कांस्टेंट कैसी आएगी, कैसी आएगी, चमका नहीं चमका, फील आया नहीं आया, यही बात इंपॉर्टेंट थी, रिजिड बॉडी के केस में दो बातें रट लो समझ लो जो भी कर लो, अगर एक ने बी को देखा तो या तो उसको रेस्ट पे दिखेगी या तो क्या दिखेगी, और कोई तो केस है ही नहीं भाई, और को पर एक पे बैठ के दूसरे को, हाँ तो या तो रेस्ट या तो दैट्स इट, धीरे 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 समझ आ जाएगा आपको, बहुत आसान है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर तुम्हें फील आना चाहिए, क्या फील आया, सिंपल, क्या क्लियर है बात, आगे आगे चल, आगे चालू करूं, आगे चालू करूं, वेरी गुड सर, हमको समझ आया, अब यहाँ पे मान ले मैं एक रिजिड बॉडी लेता हूँ, क्या लेता हूँ,
रिजिड बॉडी लेता हूँ। अच्छा मैं आप रिजिड बॉडी की बात, आपको पता है हम बात किसकी करते हैं? मान लिया क्रॉस, क्या ये क्रॉस मतलब एक्सिस, क्या अंदर की तरफ सीखा हुआ है, अगर डॉट होता तो ठीक है अंदर की तरफ। तो ये कैसे से घूम रही है, मान लो ऐसे घूम रही है ओमेगा से, तो ये ऐसे घूम रही है टन 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 इस एक्सिस के अराउंड, ऐसे इस एक्सिस के अराउंड आगे तरफ। क्या फील किया आपने, क्या फील किया आपने, घूम रही है बहुत खूब, बहुत मजा आया वाह वाह। इसमें छोटे छोटे मास होंगे, हाँ मान ले बड़ा मास है पर छोटे छोटे मास तो होंगे ना इसमें। अच्छा मान ले एक मास यहाँ पे है, अच्छा ये ऐसे घूम रही है ना, कोई बात नहीं ऐसे घुमा ले, ऐसे घुमा ले, ऐसे घुमा ले, टन 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 घुमा सकता है ना यार, पिछली बार ऐसे घुमा रहे थे अब ऐसे घुमा ले, क्या दिक्कत। मान ले एक बॉडी पड़ी है यहाँ, इसको बोला मास M1, क्या बोला, यहाँ पे पड़ा है मास M2, यहाँ पे पड़ा है M3, सो एन मास यहाँ पे पड़ा है Mn, क्या पड़ा है, क्या फील क्लियर है बात। अच्छा सर बात बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। ध्यान से देख, ये दूरी है R1, कितनी दूरी है, ये दूरी है R2, ये दूरी है R3, और ये कितनी दूरी है R4, कितनी है। अभी अगर हम एक रिस्पेक्ट तो दूसरे पर देखें तो सब क्या घूम रहे हैं और सबकी ओमेगा क्या है सेम। तो ध्यान से देख, सुन सुन सुन, तो ये क्या नीचे घूम रहा है तो क्या ये भी यहाँ पे घूम रहा होगा। पर अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है आर ओमेगा, क्या तो हम ध्यान सुन, हम लिख सकते हैं ओमेगा R1 से घूम रहा है। अरे तुझे आया नहीं यार, तो ये यहाँ से क्या घूम रहा है ओमेगा R2 से, वेरी गुड, ये यहाँ से क्या घूम रहा है, वेरी गुड, और ये ओमेगा R4 से। पर ओमेगा तो सबके सेम है। अगर मैं इसके काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, किसकी बात करूं, काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम जी स्क्वायर। अच्छा मास बहुत है तो काइनेटिक एनर्जी भी बहुत है, तो ध्यान से देख क्या लिखूंगा, हाफ M1V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2V2 स्क्वायर सो ऑन टू हाफ MnVn। तुझे आया ही नहीं, पर वी का फॉर्मूला तो क्या आर ओमेगा होता है। अच्छा वी छोड़ना, हमने डायरेक्टली लिख दिया, तो छोड़, वी का फॉर्मूला आर ओमेगा। तो ध्यान से देख मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा R1 स्क्वायर स्क्वायर। तुझे आया नहीं मैंने क्या लिखा, ये बात पता नहीं, ओमेगा स्क्वायर आर वन स्क्वायर। अच्छा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर R2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, RN स्क्वायर, जो भी। अब ध्यान से देख कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन, पीछे क्या बचा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर सो ऑन टू MnRn स्क्वायर, बचा नहीं बचा। अरे आया तुझे नहीं आया। अभी तो ध्यान से देख, ये कुछ टर्म आई आई नहीं है, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या बोलते हैं इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको रिप्रेजेंट करेंगे आई से, किससे, या मोई से, किससे, मोई मतलब, मोई मतलब MOI, मोई वो नहीं मरिया, मोई आई से, किससे। अब ये क्या चीज है, इसको ध्यान से सीखते हैं इसको, ठीक है सुन इसको ध्यान से, ये क्या चीज है। मान तेरे पास एक मास, क्या तेरे पास, ध्यान से समझना, मैं 5 किलो का, कितने किलो का, और ये 50 किलो का, आगे ले जाना है तुम्हें इसको सीधा, ट्रांसलेशन मोशन कराना है, क्या फोर्स लगानी पड़ेगी, क्या फोर्स लगानी पड़ेगी, फील कर दिक्कत किस में आ रही है तेरे को, 5 में 50 में, क्यों हिलाया हिलाया हिलाया, यानी मास को देख के तेरे को कुछ कुछ होने लगा, तेरे को दिक्कत होने लगी, नहीं होने लगी। चलने में कितनी दिक्कत आ रही है वो हम मास से पहचानते हैं, किससे, घूमने में कितनी दिक्कत आएगी वो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पहचानते हैं। क्या तुझे चमका, फील आया, यानी जिसका मास ज्यादा क्या उसको चलाने में उतनी ज्यादा दिक्कत आएगी, तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसको घुमाने में क्या उतनी दिक्कत आएगी। अरे तुझे आया ही नहीं यार, तुझे आया नहीं आया, सिंपल, क्या बात समझ आई नहीं है। देख फील कर तो मैंने पता, हमने एक टर्म पढ़ी है टॉर्क, क्या पढ़ा है, टॉर्क पढ़ा, नहीं पढ़ा, पढ़ा नहीं पढ़ा। फील कर, क्या हमने एक रॉड ली थी, उस रॉड को घुमाया हमने, एंगुलर ओमेगा थीटा आर वगैरह निकाला था। पर फील कर, जब हम किसी बॉडी को चला रहे थे तो पहले हमने उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात की, बाद में किसकी बात की, फोर्स की, क्योंकि एक्सेलरेशन किसकी वजह से आया था, अरे चमका, यानी फोर्स कारण है ना यार, इसमें भी कोई चीज घुमा रही है वो कारण है ना यार, उस फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क, क्या बोलते हैं, टॉर्क क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या बोलते हैं उसको, टॉर्क क्या बोलते हैं, यानी टॉर्क चीजों को घुमाता है, जैसे फोर्स चीजों को चलाती है ना, टॉर्क चीजों को क्या करता है, फील करे, दरवाजा खोलूंगा ये घूमेगा या चलेगा, दरवाजा खोल रहा हूं मैं यहां से, ये क्या कर रहा है, घूम रहा है, चल रहा, दिस इज टॉर्क, अभी तुम्हें आया नहीं आया, चल रहा थोड़ी है ये, चल गया क्या, उखड़ गया, आ गया सर बाहर पूरा, चल रहा है ना यार, दिस इज टॉर्क, दिस इज इन टॉर्क कारण है भाई, टॉर्क पढ़ना है हमने, पर उसके लिए थोड़ी बहुत ही बातें तो आनी चाहिए हमको,
क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ आई? यानी जहां वो खेल मास की चलती थी वहां पे खेल किसकी चलेगी? आई की। किसकी चलती थी? और जहां पे वो वेलोसिटी थी यहाँ पे क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी। क्या होगी? तुझे आया नहीं आया? तो ध्यान से देख फॉर्मूला जो बना वो काइनेटिक एनर्जी का, वो बना हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तुझे आया ही नहीं, ध्यान से देख। और आई की वैल्यू क्या है? एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू सो ऑन टू एम एन। ध्यान से देख आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? क्या एम आई आर आई सिग्मा आई की वैल्यू वन से लेके एन। तुझे आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया? अगर तो ध्यान से देख इसको कंपेयर कर तू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर से, तो क्या कंपेयर बिल्कुल हो रही है? हाँ, जहां मास था वहां क्या आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जहां वी था वहां क्या आ गया? ओमेगा। इसका मतलब अगर कोई चीज घूम रही है, अगर कोई चीज घूम रही है, तो भाई रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी है उसके पास। अरे तुझे आया नहीं, मैंने क्या बोला? अगर कोई चीज चल भी रही है और घूम भी रही है तो क्या उसके पास दोनों काइनेटिक एनर्जी है? क्या फील आया नहीं? क्या आई का महत्व समझ आया कि किसी चीज को घुमाने में कितनी दिक्कत लगेगी वो हमको आई बताता है? अरे चमका, किसी चीज को चलाने में कितनी दिक्कत लगेगी वो हमको कौन बताता है? कौन बताता है? चमका, अगर मैं सेम फोर्स 5 पे और 50 पे लगाऊं तो एक्सेलरेशन कम किसका आएगा? 50 का। फील आया ये नहीं पता चला? आना तो बोल सर। हम बोल अगर तो ध्यान से देख आई किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। किसके? और मास भी तो दो तरीके के होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है तो क्या एक्स पे जाके डीएक्स वो भी कर सकते हैं। और अगर अगर सुन ध्यान से, अगर मान ले कंटीन्यूअस मास है तो तब भी एक्स पे जाके डीएक्स, तो यानी इंटीग्रेशन का ख्याल आना चाहिए। क्या सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा था? रॉड का, ये का, वो का, इसमें भी यही सब पढ़ना है। मोमेंट ऑफ इनर्जी, रॉड का, इसका, उसका। क्या फील आया? अच्छा, क्या आई आर पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। अरे एम आर स्क्वायर तो फॉर्मूला है, आई का फॉर्मूला जो हमने यूज करना है वो क्या? एम आर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला? तो एम पे तो कर रहा है, क्या आर पे भी कर रहा है? हाँ, पर ध्यान से देख आर परपेंडिकुलर है। इधर देखना फिगर में, आर कैसा है? आर कैसा है? क्या मैंने एक्सिस ये वाली ली है? तो इससे आर देख रहे कहीं भी घुमा ले, हर हर जगह परपेंडिकुलर। तुझे आया नहीं आया? यहाँ पे आर परपेंडिकुलर रखना तुम्हें, तो समझ आया? जैसे मान लिया अगर मैं ये वाली बॉडी लेता ऐसे करके और इसकी एक्सिस ये लेता और इसको ऐसे घुमा देता, अब ये कैसे ऐसे घूम रही है? फील करना, तुम्हें फील आना चाहिए घूम रही कैसी है। अगर ऐसे करता तो ऐसे से घूम रही है, ऐसे करता तो कैसे से घूम रही है। अब ध्यान से देख, मान ले ये मास M1 M2 कहीं भी है, कहीं भी ये मास M1, ये मास, ये मास, ये मास, ये दूरी R3, ये दूरी R2, ये दूरी R1, ये RN और मास MN। क्या देख ले परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सारे? ये देना। अरे तो आया नहीं, मैंने क्या बोला? क्या फील किया? ये नहीं पता चला? अरे अच्छा, इनका ओमेगा कहाँ हुआ ऐसे? अरे ये ऐसे ऐसे घूम रहे हैं ना यार, घूम रहे हैं तो ओमेगा ऐसे। अरे मतलब ओमेगा ऐसे, पर वी ओमेगा की फॉर्मूला क्या? वी बाय आर, और वी का फॉर्मूला क्या? आर ओमेगा। तो वी इसकी ऐसे। क्या फील आया नहीं आया? समझ आया थोड़ा बहुत? आया, अभी तो पहला लेक्चर है, बेसिक है पूरी। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, गंदी तो नहीं हो गई ना? ना समझ आ रही है। ये देख, ये परपेंडिकुलर, इधर तो है ही परपेंडिकुलर, वो तो ऐसे जा रहा है। क्या क्लियर है बात? समझ आया? क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद, इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, पर तुम्हें फील आना चाहिए। बता दूं? पक्का? यस सर। हाँ सर, हमको थोड़ा थोड़ा फील तो आ रहा है। चीजों को चलाने के लिए फोर्स चाहिए, घुमाने के लिए क्या चाहिए? टॉर्क। क्या चाहिए? हाँ सर, टॉर्क तो पढ़ाई। बात करते हैं और से मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। फॉर्मूला क्या है इसका? आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। क्या है इसका? हमने सीख लिया मास पर डिपेंड कर रही है और आर पर डिपेंड कर रही है। क्या एक्सिस के लोकेशन पर डिपेंड कर रही है? हाँ, अगर मैं एक्सिस यहाँ लूँ और मान ले मास यहाँ है तो आर का ये है, पर एक्सिस यहाँ ले लूँ तो आर बढ़ गया तो आई चेंज हो गया। एक्सिस की लोकेशन पर डिपेंड, एक्सिस कैसे रखी है वो भी डिपेंड करता है भाई, हर चीज पर। तुम्हें आया नहीं मेरी? मान ले मैं ऐसा हूँ, मान ले मैं एक्सिस ये मास यहाँ पे पड़ा है तो R1 क्या मेरी हाथ हो गया? पर एक्सिस में ये ले लूँ तो हाथ से बड़ा R1 हो गया, छोटा बड़ा हो गया, तो आई चेंज होगा नहीं होगा? हाँ, तो ये बातें लिखनी है आपने जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? अच्छा, इसका तो यूनिट बोल सकता है केजी, सिंपल। क्या डायमेंशन फॉर्मूला बोल सकते हैं? अरे हाँ ना तो बोल, सिंपल बातें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया, वाह वाह। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करें। पक्का? चलो अच्छा, यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मान ले एक मास है दूसरा मास है, ये 2 किलो का मास और ये 3 किलो का मास, ठीक है? दूरी इनके बीच में 4 मीटर, कितने मीटर?
तूने बताना है आई वन, पहले क्या बताना है? अच्छा मैं बहुत सारे एक्सेस लूंगा, तूने सबके अलाउंग बताना, ठीक है? क्या पहली एक्सेस? क्या क्लियर? पक्का? अच्छा हम निकालते हैं आई वन, क्या निकालते हैं? फॉर्मूला क्या? एम आर एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर, चलता रहता है। फील कर, 2 kg इस एक्सिस से कितना दूर है? 7 नहीं तो 0 है ना आर, तो यानी इसकी वजह से कितना आएगा? 0। चमका 0 प्लस, ये जो चीज सिखानी थी तभी क्वेश्चन से सिखा। ये कितने दूर है? 4 मीटर। कितना मीटर? 4 मीटर। तो क्या परपेंडिकुलर है? हाँ हाँ परपेंडिकुलर भी। देखना तो ध्यान से, देख क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर यानी 3 × 4 का स्क्वायर, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? 16 × 3 = 48 आया। अब आई टू निकालेगा तू, ये आई टू, चल बता। ये वाला और ये कितना रहा? 2 × 4। तुझे आया ही नहीं? अरे आया नहीं आया, वेरी गुड, समझ आया नहीं? चल आप बोल। I3, वेरी गुड। चमका नहीं चमका? क्या मुश्किल है इसमें? क्या मुश्किल है इसमें? नेक्स्ट करो। और बोलेगा, मान ले 2 2 kg, 2 2 kg के ब्लॉक कितने kg के? 2 मीटर पे रखे। कितने मीटर पे? 2 मीटर। ये 2 मीटर है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। आई वन बता, क्या बता? I1. ये है तेरी आई वन। और बोलेगा 2 × 1। अगर तो ऐसे ऐसे गिदड़ वाली बात नहीं करनी। क्या सभी 1 1 मीटर की दूरी पे हैं? Yes, sir. क्या 2 का है? हाँ. तो क्या 4 है? हाँ. तो क्या लिख? फिर कर, अगर 1 का लिखता तो क्या लिखता? 2 kg × 1 का स्क्वायर लिखता, पर ये किसके लिए? एक के लिए। तो अगर 4 के लिए लिखना है तो क्या इंटू 4? तो ध्यान से देखा आंसर कितना आ गया। अब के जी मीटर स्क्वायर चलाते रहना साहब, तुझे आया नहीं आया? आई टू तू बोलेगा। अच्छा ग्रेड वगैरह ऐसे ऐसे मत कर, आई टू। वेरी गुड। ये और ये, तो ये और ये कितनी दूरी पे है? हाँ तो क्या लिखेंगे? 2 × 2 का स्क्वायर × 2। तुझे आया ही नहीं, ध्यान से देख। 4 4 2 8 8 2 जा। वेरी गुड। आई थ्री बोल, और बोलेगा अब तू। ये वाला लॉजिक से ये कितना हो जाएगा? वेरी गुड 16। वेरी गुड। आई फोर बोल, और ले और आंसर दे सकता है तू। वेरी गुड, लॉजिक समझ आ गया। आई फाइव बोल, चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ध्यान से बोल रहा हूँ। अब कौन से 0 हुए? ये 0 और पर ये 0 और ये 0, तो ये दूरी कौन सी लेनी है? परपेंडिकुलर, तो यहाँ से क्या परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा? परपेंडिकुलर दूरी क्या? ये और ये, ये एक होती है, घटा एक होती है, ये एक है, ये दूरी एक है, तो ये दूरी लेनी है ना हमने। इससे तो परपेंडिकुलर दूरी लेनी है, नहीं लेनी है तो फिर एक कैसे? अगर ये 2 है तो ये कितना है? एक, हाँ। और ये भी कितना है? एक, तो ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ नहीं हुआ? तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। गधेड़ वाली बात है, मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है? तो प्लस 1 का स्क्वायर का 2 नहीं होता, तो अंडर रूट हुआ नहीं। तू क्या 1 बोल रहा है? करके दिखाऊं क्या? अबे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 होता है ना यार, तो अंडर रूट रुला दिया तुमने यार। वैसे भी तुम्हें पता है यार, रूट 2 ही होता है डायगोनल। 100 बार तो कर दिया ये सब। कितना लिखेंगे बोल? तू बोल। और एम आर स्क्वायर, एम कितना, आर कितना, पर कितने 2 बार ना एक बार? ध्यान से आंसर कितना आ गया? 8। नहीं नहीं आया तेरे को? अबे आया नहीं आया, ये पता चला 1 1 √2 कैसे हुआ? ये सिखाऊं? तुम्हारे पे यकीन नहीं है। x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2। खुश है अब? अच्छा ऐसे सवाल कर पाएगा तू? एक और दूं? तो ला दिया तुमने यार, सच बताओ मुश्किल सवाल है या आसान है? अगर सीख जाओ तो कोई मुश्किल इसमें
ये ले, ये 1 kg कितना के जी? ये भी 1 kg कितना के जी? 6 मीटर दूरी। कितनी दूरी? यहाँ पे क्रॉस अंदर आई अंदर है आपका। बोल बोल पाएगा? यस सर। बोलना आई वन। इमेजिन कर पा रहे तू? यस सर। अबे एक्सिस अंदर है इसकी, इमेजिन नहीं कर पा रहा? यस सर। तो एक्सिस इसके अंदर है ना, एक मास वहां पड़ा है और एक मास है, तो कितनी दूरी पे पड़े दोनों मास? तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलना आया मैं कितना है, घटा क्या? 1 into 3 into अब जो भी इससे आंसर आता है ठीक है। सेम क्वेश्चन आंसर बोल। 1 into 3 into 2 into ठीक ही है मैंने। ये कितनी दूरी पे? 3 पे। तो m into r square ठीक है, m into r square ठीक है, जो भी आंसर। तो मैं आया ही नहीं यार, अबे आया नहीं आया। ये ले क्वेश्चन और, अब वही गधेड़िया से क्वेश्चन है। I2 बोल, I2 ओवरऑल 0+। हाँ अब सीधे आंसर बोल, ये नहीं है अब। सिक्स। हाँ आया तुझे या नहीं आया? एक काम कर देख, अगर एक्सिस चेंज करते हैं आंसर चेंज हो जाता है, वही तो सिखा रहा था आधे घंटे से। एक्सिस चेंज पे आंसर, एक्सिस चेंज पे आंसर। अच्छा करेगा या ऐसे ही करेगा? अच्छा मान ले यहाँ मैं डॉट ले लेता, बाहर को आ रही आंसर, क्या फर्क आता? कोई फर्क आंसर में? अच्छा भी क्या, ये देख ले, मान ले ये है 2 kg, कितने kg? ये भी 2 kg, ये भी 2 मीटर का गैप है, कितने मीटर का? चल बता, आई वन बता। बोल, 0 कौन सा हुआ पहले ये बता, ऊपर वाला? तो क्या ये 2 बचे? अगर ये 2 है तो ये 1 और ये, अरे आया नहीं आया, इक्वेटर ट्रायंगल है, 60 डिग्री है, तो 2 60, ये 1 आ जाता है। अबे 2 cos 60 1/2 ना, तो 2 से 2 घटा 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। तो ध्यान से देख क्या लिखेंगे, ये 1 मीटर और ये भी, तो क्या लिखेंगे? क्या इंटू 2 into 1 का स्क्वायर इंटू 2? हमेशा अपनी गधेड़े वाले दिमाग में पहले एम आर स्क्वायर लगाओ, फिर मल्टीप्लाई करो कितनी बार करना, और वो भी मल्टीप्लाई तभी होगा जब दोनों सेम है। मास मास 3 रख लेता फिर आप ऐसे कर। और ध्यान से देख आंसर कितना है, 4। तुम्हें आए नहीं मैंने क्या बोला? आया भी? सर ये ले ले, ये आई टू, बस इन दोनों से मास से पास कर रही है। चलो बोल, 2 0 हुए, 1 0 हुआ, तो कौन सा बचा? ये तो इससे क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो क्या ये वाला आएगा? अरे आएगा नहीं आएगा, ध्यान से देख, ये कितना है? अच्छा परपेंडिकुलर डालना है यार अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको फील आए। हाँ ये कितना है? ये कितना है परपेंडिकुलर डाला यार, बाइसेक्ट किया उसको, एक ही हुआ ना, ये कितना हुआ? रुला दिया तुम लोगों ने मुझे। फाइव कैसे हुआ यार? ये क्या चीज है पहले बता, बेस है हाइपोटेन्यूज से, क्या है ये? बेस। तो ये बेस है, ये वाला बेस है, यहाँ पे 90 डिग्री बना और ये बेस हो गया, ये है बेस। बेस है ये, कॉन्फिडेंस तो रखा करो, के देखो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये क्या है? ये तो सर वो हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या है? क्या निकाल नहीं सकते क्या हम? निकाल सकते हैं ना क्या? दिस का स्क्वायर मार के 4 का स्क्वायर माइनस क्या 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x आएगा, नहीं आएगा? तो ध्यान से देख कितना आया ये, अभी ये क्या 4 का स्क्वायर? 4 तो आया ना पूरा, तो ये आ गया 3, कितना आ गया? तो x की वैल्यू कितनी आ गई यार? तुम रुला देते हो क्या? अंडर रूट 3 आ गई। अब बोलो ओवरऑल आंसर, एम आर स्क्वायर कितना आंसर आया? अच्छा सोच, मैं इसको ऐसे नहीं करता, मैं इसको ऐसे कर देता। अब तू बताएगा आंसर, नहीं तो मार दूंगा तेरे को। इसको मैं कर देता
ऐसे ये i3 बोला आंसर। 2-0 हो जाएंगे, 2-0 हो जाएंगे, वेरी गुड। वो कितना होगा, वो लॉजिक से बोल सकता है। अबे गधेड़ा क्या यार, 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, वो भी √3 आएगा। कैसे गधेड़े हो तुम लोग यार, तुम गणित, तुम्हारी अब देखिए यार, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें आपको फिजिक्स वाला टीचर हेल्प नहीं कर सकता, आपकी गणित ही नहीं है स्ट्रांग, मैं क्या करूं। आपको यही नहीं पता √3 कहां से आता है, पाइथागोरस थ्योरम कहां लगती है, बेस कहां है, 1 मिनट पूछा बेस कहां है, खत्म हो गए तुम लोग, आधे घंटे बेस ही ढूंढते रहे। इसे मैं क्या कर सकता हूं भाई, अब जहां पे 90 डिग्री गिर गया तो बेस और परपेंडिकुलर साथ में होंगे ना, ये कैसे हो सकता है परपेंडिकुलर, इतना बड़ा बड़ा ये भी लगाया तुम्हारे लिए मैंने, बता दूं। सोच रहा था क्यूब वाला क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें, क्या कराऊं तुम्हें, क्यूब वाला क्वेश्चन रहन दूं, रहन देता हूं। नो सर, क्या आंसर तो निकलना नहीं तुमसे, तो नो ही सर है फिर, पहले ही बोल दो इससे नो सर। सब पे 4 2-2 किलो पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, रुला के रख दिया यार, सब पे क्या पड़ा है, डिस्टेंस है इनकी बीच में 2 मीटर, कितने मीटर है, 2 मीटर ले ले। सारे साइड की दूरी कितनी है, 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। चल बता, आई वन बता, इमेजिनेशन चाहिए यहाँ पे, तगड़ी तगड़ी इमेजिनेशन चाहिए बेटा, इमेजिनेशन में तो फील आनी चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देख मान ली कमरा है, अबे यही है ना कमरा, ऐसा करके टक अंदर की तरफ, अंदर की तरफ से फील किया, फील कर वहां से फाड़ के आई, 4 वहां 4 वहां, ऐसे ही हो रहा है, या ऐसे देख सकता है यहाँ से आई 1 2 3 4 इस साइड और 4 का इस साइड, ऐसे ही 8 ही है ना, ऐसे ही है ना। अब फील कर चारों कितनी दूरी पे है, चारों कितने दूर पे, अच्छा टोटली 2 मीटर है बेटा, बीच में से जा रही है तो 2 मीटर कैसे हो गए, चारों, अच्छा इधर से बीच से 1 मीटर यहाँ से 1 मीटर, ये और ये 1 मीटर पे, ये यहाँ रखा है या यहाँ रखा है, ऊपर है, हाँ तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा होगा, ऐसा होगा फिर, ये सीधा होगा फिर, हाँ तो 1 मीटर है, 1 मीटर होता है वो, तो फिर क्या गधे गए, तो कॉपी निकालना, नो सर, यस सर, नो सर, यस सर, सीखना नहीं बस, नो सर, यस सर, देख बेटा यहां से ये एंटर कर रही है, पीछे से जा रही है, इतना समझ गया, समझ गया। अबे ग्रेडो तो इसको ऐसे करके देख लो ना, ऐसे करके ये सिंपल क्रॉस, ऐसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो आपको दूरी कौन सी चाहिए, ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए, गधेड़े हो क्या, निकाल नहीं सकते ये दूरी, ये 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, तो ये कितना होगा और ये कितना होगा, तो क्या सिखाना पड़ रहा है, ये अब सिखाना पड़ रहा है, अच्छा ये √2, ये √2 के सारे √2 पे है क्या, 8 है, और ध्यान से देख, एक कितना होगा, mr स्क्वायर कितना, क्या 2 r² क्या √2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय, क्या क्या मुश्किल है इसमें, घरेड़े ऐसे देख, दूसरा अबे करेगा दूसरा, या निकल गए प्राण, ये i2 उससे कंपैरेटिवली उससे आसान है, 2-0, वेरी गुड, 2, क्या ये वाला 0 और ये वाला, फील कर ये ऐसे जा रहा है, तो ये डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर ही हुई, तो ये कितने पे पड़े हैं, 2 कितने पे पड़े हैं, 2 मीटर पे, कितने पड़े हैं, तो सीधे मैं लिख रहा हूँ 2 into, ये ऐसे लिख 2 mr², क्या 2 का स्क्वायर, पर कितने पड़े हैं 2, तो ध्यान से देखिए आंसर कितना आ गया, 4 2 8 16 प्लस, अभी और भी होंगे प्लस, ये तो हमने कौन कौन से लिखे, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये तो 0 हो गया, क्या 4 अभी बचे,
कितना बचे? अगर तू ध्यान से देख, हम इसको दो से मल्टीप्लाई, इसको चार से करना था, क्यों? अरे फील, ये भी तो दो मीटर पे पड़ा है, और ये वाला, और सुन सुन, ये वाला भी दो मीटर पे परपेंडिकुलर है, ओके, ये वाला भी दो मीटर पे परपेंडिकुलर है, तो बेसिकली दो से मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ से कितने करना, चार से मल्टीप्लाई, तो चार दो जा आठ, और आठ चार जा प्लस, दो कौन से रह गए, ये वाले, फील कर, ये जा रहा है ऐसे, और तुझे ये बताने, क्या बेटा ये डायगोनल हुआ, या तुम्हें आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए नहीं, देख ये वाली प्लेट क्या उसी की तरह दिख रही है, अरे हाँ ना, तो बोल, अब फील कर ये कितना है, और ये कितना है, तो ये डायगोनल कितना हुआ, ये दो, तो ये डायगोनल कितना, ये देख ऐसे बना रहा हूँ, ये दो करके दिखाऊं, अंडर चार प्लस चार, और ये क्या है आपका, अंडर रूट एट, क्या बोल सकते हैं, टू रूट टू बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी हुई, टू रूट टू, कितनी हुई, पर क्या दो बड़े हैं, तो लिखेंगे टू इंटू टू रूट टू का स्क्वायर इंटू टू, दिस इज द आंसर, तुझे आया ही नहीं, अबे आया नहीं आया, ये तू निकालेगा, आई थ्री कितने जीरो हो गए, ये और ये तो खत्म ही हो गया भाई साहब, अगर ध्यान से देख, ये और ये और ये और ये, चार तो दो मीटर पे पड़े, तो क्या लिखेंगे, टू इंटू टू का स्क्वायर इंटू चार, तो क्या आ जाएगा, आठ चार जा बत्तीस, प्लस पीछे कितने रह गए, पीछे रह गए दो, कितने रह गए, ध्यान से देख, इसके लिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और पर ये तो नहीं हुआ, पर ध्यान से देख, ये फिर क्या बॉडी डायगोनल है, अरे है नहीं है, तुम्हें आया ही नहीं, मैंने क्या बोला यार, तो आंसर का सेम ही आएगा, क्लियर, अच्छा घर जाके तूने करने, आप दो सुन सुन, अच्छे तुम बुरे तुम, ये यहाँ पे बना अलग से, ये घर जाके ट्राई करने, तूने नहीं होगा तो मैं कराऊंगा, सब में मास दो दो के जी बड़ा, दो दो मीटर है, सबको याद रखना, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा शो कर देता हूँ, ठीक है, दो दो मीटर दूरी है, तूने कौन कौन सा बताना है, सुन तूने बताना है मुझे ये वाली, इसको मैं बताऊं आई वन, क्या बोलता हूँ, घर के लिए, फील आया तेरे को कौन कौन सी, गया यहाँ की ओर, क्लियर, ठीक है, दूसरी देख, ये आई टू, फील आया, ये और बुक में उतार ये सवाल, अभी तो, और तीसरी ये ले, आसान भी ले ले तू, बोलेगा सर गाड़ी देगा तू, ये आ गया आई थ्री, पॉइंट आई वन आई टू एंड आई थ्री, इधर के लिए पॉइंट आई वन आई टू एंड आई थ्री, पॉइंट आई वन आई टू एंड आई थ्री, हो गया, अबे देखना नंबरिंग कर दूं क्या, नंबरिंग कर दूं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, पहली देख ले, पांच और दो से जा रही है, पहली पांच और दूसरी जा रही है एक और छह से, एक और, ठीक है हाँ, और तीसरी जा रही है आठ और छह से, चमक गया सवाल, करके आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, गणित आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, गणित आनी चाहिए, इसमें कोई खास बात नहीं है, क्या ये बात उनका, अच्छा दो मीटर नहीं एक मीटर होता क्या, तब भी तू सवाल कर सकता था, इसमें आपको रॉकेट साइंस नहीं, यही है आपको, क्या क्लियर है बात, पक्का समझ भी आया तेरे को, तेरे प्राण तो नहीं निकल गए, ये निकल गए, कौन सी वाली, हाँ ये वाली, एक और छह से जा रही है, ये दो पीला है, ये एक और कहाँ से जा रही है, और ये जा रही है बेटा फाइव और टू से, ये जा रही है एट और, ठीक और लेगा क्या, एक और दे, ठीक है,
थ्री और टू से आई फोर, थ्री और फोर से, थ्री और टू से जो भी है, थ्री और फोर से, थ्री और टू से एक ही बात है, थ्री और टू से। क्या क्लियर? क्या आई समझ आ गया? क्या मास पर डिपेंड करता है, उसकी कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करता है किस हिसाब से वो बनाए मास, क्या आर पर डिपेंड करता है, क्या आर हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से, हाँ हमेशा, कैसा हमेशा, क्या एक्सिस चेंज करेंगे, आर चेंज हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा, बिल्कुल आई तो फटाक से चेंज हो जाएगा, इसको ऐसे कर दो चेंज, ऐसे कर दो चेंज, ऐसे कर दो चेंज, मतलब हाँ बिल्कुल। क्या क्लियर है बात? यानी अगर मैं एक रॉड लूं, क्या लूं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, तो अगर यहां से निकालूं तो अलग, यहां से निकालूं तो, यहां से निकालूं तो, हाँ, और ऐसा आता भी, ऐसा आता भी है। अगर एक एंड से निकालेगा तो एम एल स्क्वायर बटे तीन, कितना माने मास, रॉड की मास है एम, मास रॉड कितना है एम, मास की लेंथ उसकी एल, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर एंड से निकालेगा तो एम एल बटे तीन, एम एल स्क्वायर बटे तीन कितना, और अगर कोई तो सेंटर से निकालेगा ना तो एम एल स्क्वायर बटे बारह, एम एल स्क्वायर बटे, देख फर्क आया नहीं आया, क्या सेम रॉड है, क्या सेम मास है, क्या सेम लेंथ है, हाँ एक्सिस फर्क पड़ता है इनर्शिया से, क्या फील आ गया, और तो फील भी कर सकता है, हमने चीज घुमानी, तो अगर वो यहां से घूमेगी तो क्या वो रॉड ऐसे घूमेगी, पर यहां से क्या वो ऐसे से घूमेगी, तो फील आया, तो जब घूम रही अलग है तो आई भी उसका, क्योंकि आई क्या दिक्कत, आई क्या दिक्कत, घुमाने में कितनी दिक्कत है, दैट इज बताएगा कौन, आई कौन बताएगा, ठीक है, क्या क्लियर है बात? अच्छा याद कर, हमने सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, उसकी फिर कॉन्टिन्यूस बॉडी आ गई थी जिनका मास डिस्ट्रीब्यूट था, तो क्या एक्स में जाकर डीएक्स करते थे, तो एक लैम्डा लेते थे, सिग्मा लेते थे, रो, याद है सबको, तो वो सब पढ़ के आना, एग्जैक्ट वहीं से स्टार्ट होगा लेक्चर, क्या क्लियर है बात? वेरी गुड।